अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार, टेस्टी एक चटनी बनाएंगे। इस चटनी को मैं हमेशा अपने घर में बनाती हूँ। आप इसे पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, जैसे चाहे वैसे खा सकते हो, जो बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बन के तैयार होती है। इस रेसिपी की डिमांड आई है, मेरे एक सब्सक्राइबर नूर शैबान ने बोला है कि आप एक चटनी की रेसिपी शेयर करें। मुझे लगा कि ये बहुत ही बेहतरीन चटनी है, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने दो टमाटर लिए हैं, ये देखिए मैंने दो टमाटर ले लिए हैं, और मैं इसको ओवन में डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से भुन जाए। आप चाहे तो इसको गैस चूल्हे पर रख के, एक जाली रख के उस पर भी भून सकते हो। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप चाहे तो इसको तवे पे रख के चारों साइड से पलट पलट कर भी भून सकते हो। तो मैं इसको डाल देती हूँ ओवन में, ये भून के तैयार हो जाएंगे। टमाटर को डाल दिया है ओवन में, तब तक हमारे टमाटर तैयार होते हैं, हम ये चटनी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, ये डाल दी है मैंने मिक्सी जार में, और ये मैंने एक मुट्ठी हरा धनिया लिया है, ये भी डाल दिया है मैंने, और ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, कट कर लिया है मैंने इनको। आप अपनी पसंद से डाल सकते हो हरी मिर्ची, जैसा आपको तीखा चाहिए। और यहीं पे डालेंगे हम नमक। नमक मैं यहाँ पे डालूँगी 1/2 टीस्पून, ये डाल दिया है मैंने। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, 1 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने इसमें पानी, और लगाते हैं इसका ढक्कन, इसको पीस के लाते हैं। तो ये देखिए हमारे टमाटर भून के तैयार हो गए हैं, ये देखिए। अब इसकी ईजीली ये जो स्किन है ये निकल जाएगी, तो हम ऐसे करके इसकी जो ये स्किन है इसको हम ऐसे निकाल देंगे। अभी ये बहुत ही गर्म है क्योंकि मैंने ये अभी अभी निकाले हैं, तो ऐसे करके निकाल लेंगे हम दोनों टमाटर की। ये देखिए निकल गई है, इसको हम रख लेते हैं इधर एक प्लेट। तो ये देखिए मैंने दोनों टमाटर की स्किन निकाल दी है। अब हम इसको ऐसे करके कट कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे करके। आप चाहे तो इसके बीज निकाल सकते हो, चाहे तो बीज के साथ रख सकते हो। तो हम दोनों को ऐसे करके, देखिए मैंने टमाटर को कट कर लिया है। अब हम इसको एक छोटी सी कटोरी में डाल लेते हैं टमाटर को, और यहीं पे हम अब मिलाएंगे चटनी जो हमने तैयार करके रखी हुई है ना, पीस के रखी हुई है ये हरी चटनी। अब हम इसमें 1 चम्मच मिला लेते हैं। आप चाहे तो 1 चम्मच मिला ले, या ज़्यादा मिला ले, या कम मिला ले, आपको जितनी पसंद हो आप उतनी मिला ले। ये देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच मिला ली है, और थोड़ा सा यहाँ पे हम डाल देते हैं नींबू का जूस। ये मैंने 1/2 नींबू लिया है, ये डाल देते हैं ताकि इसका जो टेस्ट है वो और भी बेहतरीन हो जाए, और भी टेस्टी मज़ेदार हो जाए। तो ये देखिए ये हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये जो हमारे पास हरी चटनी बची हुई है, हम इसको एक डब्बी में डाल के फ्रिज में रख लेंगे। जब भी हमारा मन हो तभी हम इसको निकालें, टमाटर को भूनें, और इस तरह हम अपनी चटनी तैयार कर लें। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सी चटनी तैयार हो गई है हमारी। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया बनी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।